शायद स्थिति बहुत अलग दिखाई देगी। और अभी आमतौर पर जैसा कई बार होता है, अगर हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं तो अब तक कई जीत के दावे हो चुके होते हैं, कई बार पलट चुके होते हैं क्योंकि कितनी कई बार बीजेपी आगे हुई है, कभी टीएमसी आगे हुई है जी। तालडांगा से टीएमसी आगे है 49 सीटों पर कुल, आप देख सकते हैं कि टीएमसी ने अपनी लीड ले रखी है। मानबाजार सीट से टीएमसी आगे है 49 टीएमसी 37 बीजेपी, पवन अब 38 हो गया बोलते बोलते, फिलहाल लीड और एज टीएमसी को दिखाई दे रहा है। पवन अच्छा सौरभ एक बार सवाल रिपीट कर देंगे, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। देखिए इस वक्त सवाल से ज्यादा हमें तो ये जानना है कि आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, बीजेपी 39 टीएमसी 49, टीएमसी की हाफ सेंचुरी होने वाली रुझानों में। सौरभ दादा सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि ममता दीदी या टीएमसी की कमियां क्या रही, हम अभी तक ममता दीदी के पॉजिटिव्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात कि आज के दिन सबसे बड़ा अगर कोई बंगाल में चेहरा है सीएम की रेस में तो ममता बनर्जी है। बीजेपी के पास वो अनसर्टेनिटी है जिसको ममता बनर्जी ने लगातार भुनाने की कोशिश की है और कहा है कोई बाहरी आएगा, हालांकि बीजेपी इसको लगातार काउंटर करती रही है, लेकिन एक सीएम फेस ना होना भी बहुत से लोगों की शंका की वजह है। दूसरा, माइनॉरिटी वोट्स बहुत मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। और तीसरा, ममता बनर्जी का जो संगठन है, जो सत्ता पोषित संगठन पार्टी है, जो क्लब कल्चर के तौर पर हर गली नुक्कड़ चौराहे पर है, वो ममता बनर्जी के लिए लायबिलिटी भी है क्योंकि वो करप्शन का चेहरा है, और वो ममता बनर्जी का एसेट भी है क्योंकि वो डोर टू डोर इलेक्शन मैनेजमेंट में काम आता है जी। तो ये तीन फैक्टर इग्नोर करना या फिर ममता बनर्जी की ताकत को इग्नोर करना अपने आप में फेयर एनालिसिस नहीं होगा। तो ठीक है, एक सीट का और रुझान है चुनचुरा, यहां से लॉकेट चैटर्जी जो है वो आगे चल रही है, 53 पर कुल टीएमसी आगे है, 40 पर बीजेपी आगे चल रही है, अब थोड़ी देर से टीएमसी जो है वो एक गैप बना करके चल रही है बीजेपी के साथ, देखना होगा कि क्या यही अगले 2-3 घंटे भी सस्टेन कर पाती है टीएमसी। लॉकेट चैटर्जी आगे, सौरभ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जहां पर जिस सीट की बात कर रहे हैं लॉकेट चैटर्जी से भी मिला था।